दोस्तों वीडियो के अंदर आप देख सकते हो ये न्यूज़ कुछ ही घंटे पहले आई है और ये न्यूज़ के अंदर ये क्लियरली बताया गया है कि अमेरिका ने इसराइल को बताया है कि वो ईरान के खिलाफ काउंटर अटैक नहीं करेंगे, यानी कि इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अमेरिका ये युद्ध में यानी कि वॉर में डायरेक्टली नहीं उतरेगा। आज सुबह ही हमने आपको जो बाइडेन का प्रेस स्टेटमेंट दिखाया था, जहां पर हमने आपको क्लियरली कहा था कि जो बाइडेन ने जो ये प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया है, ये स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के बाद मुझे लगता है कि अमेरिका वॉर में उतरना नहीं चाहता है। और दोस्तों आप देख सकते हो कुछ ही घंटों के बाद ये न्यूज़ कंफर्म हो चुकी है कि अमेरिका वॉर में शामिल नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह का एनालिसिस हम आपको हमारे वीडियोस से देते हैं। हमने आपको सिर्फ जो बाइडेन ने जो प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया उससे बता दिया कि अमेरिका वॉर में नहीं जाएगा, और कुछ घंटों के बाद ये न्यूज़ कंफर्म भी हो चुकी है। उसी तरह से आप देख सकते हो ईरान ने भी ये क्लियरली बोल दिया है कि ये वॉर हमारे तरफ से ख़त्म हो चुका है, हम अभी इसराइल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसराइल ने अटैक किया तो हम अटैक कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने ये वॉर को अभी ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हम आपको कितनी सटीक जानकारी हमारे वीडियो से देते हैं। गोल के ऊपर हमने क्लियरली कहा था कि ये वॉर अगर कंटिन्यू होता है तो सोमवार को गोल गैप से ऊपर खुल सकता है, लेकिन ये गैप सस्टेन नहीं कर पाएगा और ये तेज़ी को गोल्ड आने वाले दिनों में गंवा देगा, क्योंकि गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर पहले ही ग्रेवस्टोन डोजी ये बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो हमारा नज़रिया गोल्ड के ऊपर अभी भी वही है कि आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर गिरावट भी आएगी और कंसोलिडेशन भी होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको आज सुबह के वीडियो का वो क्लिप सुनाना चाहूँगा जहाँ पर मैंने आपको जो बाइडेन का स्टेटमेंट पढ़ के ये बताया कि अमेरिका ये वॉर के अंदर नहीं उतरेगा, और अगर अमेरिका ये वॉर के अंदर नहीं उतरेगा तो ये वॉर उतना बड़ा नहीं होगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ ये वीडियो को आप मैक्सिमम लाइक्स दो। जो बाइडेन ने आप देख सकते हो ये अटैक के बाद एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, और ये स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने क्या बोला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि ईरान ने हमारे बेस के ऊपर यानी कि अमेरिका के बेस के ऊपर अब तक कोई भी अटैक नहीं किया है। अगर ईरान ने अमेरिका के बेस के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया है तो अमेरिका ये वॉर के अंदर मुझे नहीं लगता शामिल होने की कोशिश करेगा। उसी तरह से आप देख सकते हो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये प्रेस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा है कि हम G7 की जो कंट्रीज़ है उन्हें डिप्लोमेटिक एक्शन लेने के लिए बताएंगे। दोस्तों ज़्यादातर समय डिप्लोमेटिक एक्शंस मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि ईरान के ऊपर कोई फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन लगा दो, या फिर ईरान का जो ऑयल है उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दो। तो दोस्तों मुझे लगता है जो बाइडेन चाहते हैं कि ये वॉर के अंदर वो डायरेक्टली शामिल ना हो। तो अगर अमेरिका ये वॉर के अंदर शामिल नहीं होना चाहता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये वॉर बहुत बड़ा हो सकता है।